तो आज हम आए हैं थॉप पार्क, जैसा कि पीछे वो रोलर कोस्टर। ये आयशा मैडम ने हमें पता नहीं इतनी जल्दी क्यों भेज दिया। अभी बज रहा है 8:30 और थॉप पार्क चालू होने वाला 10 बजे, और ये लोग अभी मीशा को पिक कर रहे हैं, तो इनको आने में और 30 मिनट है। 30 घंटा बोल रहा हूँ। और हम 30 मिनट पहले पहुँच के, मतलब लिटरली कितने मिनट भाई, हम एक 1 hour 30 minutes लिटरली अभी खाली स्टाफ आ रही है और हम इधर खड़े हुए हैं। 1 hour 30 minutes के बाद खुल रहा है। इतने फुद्दू लग रहे हैं ना हम कि स्टाफ के आने से पहले हम आ गए, इनसे पंचुअल तो हमें तो ऑल थैंक्स टू आयशा मैम कि इतनी जल्दी हमें भेजा है। पार्ट टाइम करने का ये लोग तो बोलेंगे भाई यार तुम लोग ही बैठ जाओ टिकट करने, हम आज राइड्स करेंगे। मतलब अब पता चल गया अगर थॉप पार्क में काम करना है तो एम्प्लॉयज कितने बजे आते, तो हमें भी उसी हिसाब से आने हैं। वैकेंसी भी है तो ये है सीन, बट लोग खड़े हैं उधर कुछ कुछ लाइन में, अपन भी देखते हैं क्या करते हैं। हाँ लाइन ही है ना भाई, वो चल भाई चल देख के आते, नहीं तो देखा कि इधर ही अटके रह गए। हम अंदर घुस तो चुके हैं, बट हमारी आयशा मैडम ने ऐसा गुगली फेंका ना कि अपने पूरी फैमिली को चप्पलों में लेके आई है वो, क्योंकि आउट ऑफ 35 राइड्स ओनली 3 or 4 आर वाटर राइड्स, उसको लगा ये वाटर पार्क। मैं उसको कल से चीख के बोल रहा हूँ कि अम्यूजमेंट पार्क है, तो ये मैं दिखा, मैं और क्रिश जूतों में और ये इनके भाई साहब ऐसा है लगता है तैरने आए हैं अम्यूजमेंट पार्क में। मतलब कॉमेडी बना रखा है, गुड वन आयशा। सो दीज आर द थिंग्स यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम आयशा जाफरानी। सो इसके लिए खुद का अच्छा सुने, किसी और का ना सुनो, समझे, तुम्हें काम आएगा 17 साल की उम्र में, खुद का अच्छे को। और बहन को भी सिखाओ कि गलत कर रही है। नहीं, उसको सिखाना अपना काम नहीं है, वो खुद ही बड़ी हो गई सीख ली गई। देविका हेलो, गुड मॉर्निंग। सच्ची में आज तो डोरा द एक्सप्लोरर ही लग रही है, और तेरा बैग खुला हुआ है। आयशा, आयशा भी, आयशा ऐसा लग रही है जैसे वो घाट किनारे डुबकी लगाने जा रही है ना आयशा। तो अभी बैठ के मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ पिज्ज़ा पनीनी विथ ओएसएस जूस, क्योंकि सुबह सुबह इतना एक तो आज हीट वेव है, कॉफ़ी और चॉकलेट पीने का कोई मतलब बनता नहीं है। ठंडा ठंडा जूस, चीज़ टोस्टी सॉर्टेड, फिर अब सीधा लंच में जो करेंगे करेंगे। आज मैं ऐसा मेक श्योर नहीं करूँगा, बट ट्राई करूँगा कि मोस्टली मैं ऑलमोस्ट सारे राइड्स कवर करूँ, क्योंकि लाइफ में ऑलरेडी इतना थ्रिल झेल लिया, तो ये तो राइड्स का थ्रिल है, इसमें क्या ही है। तो राइड्स का भी थ्रिल थोड़ा आज इन्जॉय करेंगे, क्योंकि डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू तो लाया नहीं, मैं तो मस्त ऐसा टैगलाइन बनाता, बट आई ट्राई। और देखता हूँ अगर मैं राइड में बैठा तो किसी ना किसी को तो फ़ोन पकड़ाऊँगा, ताकि बस वीडियो ले ले, देखते कैसे लेते हैं, बट यही कर सकते हैं। अब इतना अमीर तो नहीं हो ना कि गोप्रो छाती पे लगा के मैं राइड में बैठ गया, वो भी दिन आएगा, बट आज ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। आयशा, स्कूल ट्रिप में कैसा लग रहा है? कॉलेज ट्रिप, बट कॉलेज ट्रिप बट विद चप्पल्स। अरे एम्बुलेंस पलट दी तुमने आयशा, खौफ देखो तुम। ये पहला राइड में जाने का सोच रहे, थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, बट Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, now the gun down. Dropping bodies in the place till the sun down. Can't fuck with this, I'm going to try. Just let the bullets fly, I'm the last one to die. बचपन की बात अलग थी ना, तो अभी एक राइड हो चुका है जिसमें मैंने आँख खोला नहीं, पूरा आँख बंद करके स्टार्टिंग के 2 मिनट तो मैं बस
कर रहा था उसके एंड में तो मम्मी आ जाएगी, तो मैं मम्मी मम्मी चिल्ला दिया। काश GoPro होता तो मैं अच्छे से व्लॉग कर पाता, बट कोई नहीं, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और वीडियो तो लिया ही है नीचे से कि वो रोलर कोस्टर कैसा दिखता है, तो उसमें देख लेना, इमेजिन कर लेना कि कैसे चिल्लाया होगा मैंने, है ना। इन भाई साहब ने एंड में लिटरली बोला है, क्या बोला है, मम्मा। कैसा लग रहा है इसमें बच्चे वाले इसमें बैठे चश्मा इसमें थोड़ी गिरेगा। तो देख इसका अगर शूट हुआ है तो हुआ, नहीं हुआ है तो फोन जेब। तो एक और राइड डन फिश, वो बच्चों वाला फ्लाइंग फिश, तो हम भी बच्चे ही हैं दिल से, मजा भी आया, चिल्लाए भी, बहुत कुछ किया। अभी हम एक जा रहे हैं हॉरर वाले में, द वॉकिंग डेड, उसमें जाके देखते कैसा है। उधर अंदर से शूट कर सकते हैं उसमें, इसमें इतना कोई चक्कर नहीं है, तो देखते हैं है किधर। तो ये वाले राइड में मैं नहीं गया, क्रिश, देविका, आयशा, मीशा और अंकल, ये पांच लोग जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा क्योंकि ये राइड मैं नहीं झेल सकता। तो इसके लिए मैं इधर खड़े होकर फ्रंट व्यू से व्यू कर रहा हूँ, इनका वीडियो बनाऊँगा, बिकॉज रोलर कोस्टर चल सकता है, ये थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है, ये थोड़ा ज़्यादा है, ये नहीं करेगा मैं। तो इसके लिए इधर खड़े हो गए, तो भाई और गंदा लग रहा है। नहीं सही है, अच्छा सच्ची बोल रहा हूँ, और गंदा लग रहा है। वो न्यूट्रल पैंट तब भी सही था, नहीं सही है। खुद देख ले भाई, क्या ही फैशन है भाई लॉन्डो का, पता कहाँ बैठे वो हमारे तीन बंधु, क्रिश, देविका और वो आयशा, मौत का खेल खेलने गए हैं, देखो क्या होता है इनके साथ। मजा आया, अच्छा अच्छा। तो मैं, मीशा और इब्राहिम, हम लोग अभी इसमें गए थे जोडियाक वाले में, जो ऐसा कैसा बोलूं, फेरिस व्हील होता है ना, बट वो ऐसे ऐसे घूमता है, ये पहले ऐसा ऐसा घूमेगा, फिर सीधा होता होता फिर ऐसा 45 डिग्री, हाँ फिर ऐसा, वो जो एस्ट्रोनॉट्स का टेस्टिंग नहीं दिखाते, वो जी फोर्स वाला एकदम वैसा था। अभी ये लोग दूसरे एक पेंडुलम वाले राइड से है, ये वाले अभी पूछते है कैसा था, कैसा था अंकल ये वाला, कैसा था, अच्छा था अच्छा था, गुड, पसीने छूटे ये वाले में जाए, इसमें और पसीने छूटे, इसमें क्या है वो पूरा राउंड राउंड है इसमें क्या। तो अभी हम एक दूसरे वाले में जा रहे हैं, द वॉकिंग डेड ज़ॉम्बी वाला, उसमें शायद मैं वीडियोग्राफी कर सकते हैं ना ऐसा, हाँ वो स्लो है, है? उसपे कर सकते हैं, उसपे कर सकते हैं, फुल स्लो है क्या वो, हॉरर वाइब वैसा है। तो उसके बाद एक और है कोई, तो घोस्ट वाला, घोस्ट बस करके उसमें जाएंगे, फिर थोड़ा ब्रेक लेंगे, फिर वापस चल। तो अभी तक हम लोग ने तीन तीन राइड ईच कर लिए, तो सो फार सो गुड, लेट्स एंजॉयिंग द वेदर, एंजॉयिंग द वेदर, गेटिंग सम टैंस, सो या। देविका कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा, तेरा शेंडी वापस आ गया, अरे जितने राइड में बैठेगी शेंडी उतरता रहेगा, फिर हटा दिखान देना लकी शेंडी को फिर। आयशा तुम कहा एकदम गोरी से सावली हो गई, तू रहने दे भाई, एक्सेंट ये दोनों ही मारते हैं, जाओ मैं जाऊ। अभी सबका खाना पीना हुआ, लंच ब्रेक लिया, साथ में जूते भी चेंज किए चप्पलों में आ गए, क्योंकि अभी हम एक जा रहे हैं वाटर राइड में, जहाँ पे थोड़ा गला अभी बैठा बैठा लगेगा क्योंकि बहुत चिल्लाया हूँ। तो जिस राइड में जा रहे हैं उधर अभी पानी वाला है, तो नीचे का हिस्सा गीला होने का अनुमान है,
होता है तो ठीक है, इसलिए एक्स्ट्रा शॉर्ट्स और ये सब लेके आए थे हम। एक घंटे का वेटिंग है उस राइड पे, तो सब ने शॉर्ट्स और इसमें चेंज कर लिया है। मैं तो शॉर्ट्स में ही आया था, एक्स्ट्रा शॉर्ट्स भी ले आया, एक्स्ट्रा टी शर्ट भी लेके आया हूँ, तो उसका तो चक्कर नहीं है। जूते इसके लिए रख लिए अंदर, क्योंकि जूतों को कुछ नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं दिखाऊँ मैं कौन से राइड में जा रहा हूँ तो देखो बताता हूँ, ये आगे है। तो हम जा रहे हैं वाले राइड में, इसमें वो तो इसमें वो ऐसा वो ट्यूब वाला होता है, उसमें 5-6 लोग ऐसे कुछ बैठ सकते हैं और ऐसे करके है हमारा। तो जैसा कि मैंने बोला वो ट्यूब है, ट्यूब के अंदर हम बैठेंगे, वो ऐसे ऐसे घूमेगा, पानी में लेके जाएगा, पानी के छिट्टे आएंगे, सीधा पानी पे डाइव, तो ऐसा कुछ है। तो एक घंटे का वेटिंग है तो चलते हैं। अरे बैठने की बात, खड़े होना मुश्किल है, आंटी उड़ नहीं जा रहा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। वी आर वेटिंग फॉर दिस वाटर राइड सिंस एन आवर, और अभी भी काफी टाइम रहता है। एंड लुक एट दिस गाइस, एक घंटे बाद हमारी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है। क्या हुआ मदर देविका, मीशा, आर्यन, इब्राहिम, क्रिश, ओनली पापा एंड आई एम द स्टैंडिंग मैन। देविका, मीशा, आर्यन, क्रिश, इब्राहिम, हम लाइन में बैठे बैठे एक घंटे में जो ना बहुत टैलेंटेड हो गए। मीशा तुम यहाँ से ना हर गुजरते इंसान से ना एक एक पाउंड ले लो, अमीर हो जाओगी। मैं सबकी चीजें भी सब बैलेंस करूंगी। छोड़ो मीशा, छोड़ो मीशा, छोड़ो, कम ऑन देविका, यू कैन डू दिस, यू वन 50 pounds। मिस्टर व्लॉगर, माय टर्न आ गई ऑलमोस्ट। So Papa, Ibrahim, Arin and I are going, and these four are going together. Mama, Misha, Krishna and Devika. Let's see how it goes. Hi Daddy. Oh hi Daddy boy. Hum finally ride pe aa chuke hain. Aur ye. We've got our ice creams. Mr. Bhatt saab. Feeling good? What flavor did you get? Strawberry cheesecake and cherry Garcia something. Cherry. Krish, how was your ice cream? Good, good. So everybody feels good after having ice cream. Mama, Papa and Devika has ditched us and gotten to this, and we have decided to go on the water slide, which is there after having our ice creams. See you guys. अब आ रही आवाज मेरी, काले हो गए हो तुम, ये तो ठीक है, तुम भी ठीक हो, मम्मा भी ठीक है, इब्राहिम भी ठीक है, बस तुम ही काले हो गए हो। अगेन ये भीगते भीगते रेडी गाइस, गाइस लुक हियर गाइस, गाइज वेलकम बैक। मैं पूरा चेंज हो चुका हूँ, चेंज हो चुका है, कपड़े सब चेंज हो चुके हैं मेरे, क्योंकि हम लोग वो वाटर राइड में बैठे थे जिसके बाद पूरा भीग चुके थे। तो अभी ऑलमोस्ट पैकअप टाइम हो चुका है हमारा, तो अभी हम लोग को ऑलमोस्ट पैकअप टाइम हो चुका है। मैं अपना ये कोल्ड ड्रिंक का ये बॉटल रिफिल करने गया था, इधर गया ये 15 pounds का बॉटल लो और फिर अनलिमिटेड रिफिल्स, तो हम लोगों ने दो ले लिए थे, तो ये एक मैं अभी भरने गया हूँ। किसी का कॉल आ रहा है,
हाँ तो मैं यही कह रहा था कि बस पैकअप टाइम हो चुका है, 7 बज चुका है, 7 बजे बंद हो जाता पूरा पार्क। तो अभी हम बस अंकल और देविका का वेट कर रहे हैं, जो इधर का यूके का सबसे बड़ा रोलर कोस्टर है उसमें गए, उधर कुछ 1 घंटा का वेटिंग टाइम था तो उधर गए, उधर तो वेटिंग फॉर देम। तब तक अपना गैंग इधर ही है, फिर देखते हैं आगे उबड़ लेते कि कैसे करके जाते हैं। तो अभी घर जाते हुए पैकअप डन, फाइनली बालों से बॉडी के हालों से समझ वही सब वो देख के लग ही रहा है पैकअप हो गया। तो अभी पूरा झुंड साथ में निकला है आज के दिन का पैकअप। तो बस अभी घर जाएंगे, खाएंगे, सोएंगे और सुबह काम।